भक्ता की पुस्तक अध्याय एक उपाध्याय भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय एक उपाध्याय का दर्शन। हम लोगों ने यहोवा की ओर से समाचार सुना है और एक दूत अन्य जातियों में यह कहने को भेजा गया है कि उठो हम उससे लड़ने को उठे। मैं गिना जाएगा और एक दूत उपाध्याय भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय एक उपाध्याय भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय एक उपाध्याय का दर्शन। हम लोगों ने यहोवा की ओर से समाचार सुना है और एक दूत अन्य जातियों में यह कहने को भेजा गया है कि उठो हम उससे लड़ने को उठे। मैं तुम्हें जातियों में छोटा करता हूँ, तू बहुत तुच्छ गिना जाएगा। हे पहाड़ों की दरारों में बसने वाले, हे ऊंचे स्थान में रहने वाले, तेरे अभिमान ने तुझे धोखा दिया है। तू तो मन में कहता है कि कौन मुझे भूमि पर उतार देगा, परंतु चाहे तू उकाब की नाई ऊंचा उड़ता हो, वरन तारांगन के बीच अपना घोंसला बनाए हो, तो भी मैं तुझे वहां से नीचे गिराऊंगा। यहोवा की यही वाणी है। यदि चोर डाकू रात को तेरे पास आता, हाय तू कैसे मिटा दिया गया है, तो क्या वे चुराए हुए धन से तृप्त होकर चले न जाते? और यदि दाग के तोड़ने वाले तेरे पास आते, तो क्या वे कहीं कहीं दाग न छोड़ जाते? परंतु एसाव का जो कुछ है वह कैसा खोजकर निकाला गया है, उसका गुप्त धन कैसे पता लगाकर निकाला गया है? जितनों ने तुझसे वाचा बांधी थी, उन सबों ने सिवाने तक तुझको पहुंचा दिया है। जो लोग तुझसे मेल रखते थे, वे तुझको धोखा देकर तुझ पर प्रबल हुए हैं, और जो तेरी रोटी खाते हैं, वे तेरे लिए फंदा लगाते हैं, उसमें कुछ समझ नहीं है। यहोवा की यह वाणी है कि क्या मैं उस समय एदोम में से बुद्धिमानों को और एसाव के पहाड़ में से चतुराई को नाश न करूंगा? और हे तेमान, तेरे शूरवीर का मन कच्चा हो जाएगा, और यो एसाव के पहाड़ पर का हरेक पुरुष घात होकर नाश हो जाएगा। हे एसाव, उस उपद्रव के कारण जो तूने अपने भाई याकूब पर किया, तू लज्जा से ढपेगा और सदा के लिए नाश हो जाएगा। जिस दिन परदेशी लोग उसकी धन संपत्ति छीन कर ले गए और बिराने लोगों ने उसके फाटकों में से घुसकर यरूशलेम पर चिट्ठी डाली, उस दिन तू भी उनमें से एक सा हुआ। परंतु तुझे उचित न था कि तू अपने भाई के दिन में अर्थात उसके विपत्ति के दिन में उसकी ओर देखता रहता और यहूदियों के नाश होने के दिन उनके ऊपर आनंद करता और उनके संकट के दिन बड़ा बोल बोलता। तुझे उचित न था कि मेरी प्रजा की विपत्ति के दिन तू उसके फाटक से घुसता और उसकी विपत्ति के दिन उसकी दुर्दशा को देखता रहता और उसकी विपत्ति के दिन उसकी धन संपत्ति पर हाथ लगाता और तीर मुहाने पर उसके भागने वालों को मार डालने के लिए खड़ा होता और उसके संकट के दिन उसके बचे हुओं को पकड़ा देता, क्योंकि सारी अन्य जातियों पर यहोवा के दिन का आना निकट है। जैसा तूने किया है वैसा ही तुझसे भी किया जाएगा, तेरा व्यवहार लौटकर तेरी ही सिर पर पड़ेगा। जिस प्रकार तूने मेरे पवित्र पर्वत पर पिया, उसी प्रकार से सारी अन्य जातियां लगातार पीती रहेगी, वरन वे सुकड़ सुकड़ कर पिएगी और ऐसी हो जाएगी मानो कभी हुई ही नहीं। उस समय सियोन पर्वत पर बचे हुए लोग रहेंगे और वह पवित्र स्थान ठहरेगा और याकूब का घराना अपने निज भागों का अधिकारी होगा और याकूब का घराना आग और यूसुफ का घराना लव और एसाव का घराना खुंटी बनेगा और वे उनमें आग लगाकर उनको भस्म करेंगे और एसाव के घराने का कोई न बचेगा, क्योंकि यहोवा ही ने ऐसा कहा है। और दक्षिण देश के लोग एसाव देश के लोग
पलिश्तियों के अधिकारी होंगे और यहूदी एप्रेम और सामरिया के देहात को अपने भाग में लेंगे और बिन्यामिनी गिलाद का अधिकार होगा और इसराइलियों के उस दल में से जो लोग बंधुआई में जाकर कनानियों के बीच सारपत तक रहते हैं और यरिशलिमियों में से जो लोग बंधुआई में जाकर सपाराद में रहते हैं वह सब दक्षिण देश के नगरों के अधिकारी हो जाएंगे और उद्धार करने वाले एसाव के पहाड़ का न्याय करने के लिए सियोन पर्वत पर चढ़ जाएंगे और राज्य यहोवा ही का हो जाएगा। वक्ता की पुस्तक अध्याय एक, ओबद्या भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय एक, ओबद्या का दर्शन। हम लोगों ने यहोवा की ओर से समाचार सुना है और एक दूत अन्य जातियों में यह कहने को भेजा गया है कि उठो हम उससे लड़ने को उठे। मैं गिना जाएगा और एक दूत ओबद्या भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय एक, ओबद्या भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय एक, ओबद्या का दर्शन। हम लोगों ने यहोवा की ओर से समाचार सुना है और एक दूत अन्य जातियों में यह कहने को भेजा गया है कि उठो हम उससे लड़ने को उठे। मैं तुम्हें जातियों में छोटा करता हूँ, तू बहुत तुच्छ गिना जाएगा। हे पहाड़ों की दरारों में बसने वाले, हे ऊंचे स्थान में रहने वाले, तेरे अभिमान ने तुझे धोखा दिया है। तू तो मन में कहता है कि कौन मुझे भूमि पर उतार देगा, परंतु चाहे तू उकाब की नाई ऊंचा उड़ता हो, वरन तारांगन के बीच अपना घोंसला बनाए हो, तो भी मैं तुझे वहां से नीचे गिराऊंगा। यहोवा की यही वाणी है। यदि चोर डाकू रात को तेरे पास आता, हाय तू कैसे मिटा दिया गया है, तो क्या वे चुराए हुए धन से तृप्त होकर चले न जाते? और यदि दाग के तोड़ने वाले तेरे पास आते, तो क्या वे कहीं कहीं दाग न छोड़ जाते?